सदगुरु नमस्ते सदगुरु ब्रह्मांडीय इच्छा क्या है और स्वतंत्र इच्छा क्या है जिसे ब्रह्मांडीय इच्छा कहा जाता है वो उस तरह की इच्छा नहीं है जिसे आप इंसानी इच्छा या अपने मन की इच्छा के रूप में जानते हैं उसका एक खास पैटर्न है एक खास गुण है ब्रह्मांडीय सत्ता में एक खास चेतनता और अपना एक झुकाव होता है वो हमेशा मौजूद होती है यह ब्रह्मांडीय इच्छा है कि इस समय आपका और मेरा अस्तित्व है मगर अभी आपने सत्संग में आने का फैसला किया है आपकी इच्छा है है कि नहीं तो ब्रह्मांडीय इच्छा किसी फैसले की तरह नहीं होती वो बस मौजूद है ब्रह्मांडीय इच्छा के कारण आप और मैं इस रूप में हैं। ब्रह्मांडीय इच्छा के कारण पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है यह इंसानी विचारों की तरह नहीं है यह बस प्रकृति का गुण है पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है उसे जैसे चाहे रोकने की कोशिश कीजिए ऐसा लगता है कि उसकी अपनी इच्छा है मगर वो कोई इच्छा नहीं है वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार बह रहा है तो ब्रह्मांडीय इच्छा गुरुत्वाकर्षण बल और बाकी कई चीजों की तरह है वो बस हमेशा मौजूद रहती है वो सिर्फ उस तरह काम करती है क्योंकि जीवन की रूपरेखा ही ब्रह्मांडीय इच्छा पर आधारित है मगर आज आप कुछ करने का फैसला करते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी इच्छा है ब्रह्मांडीय इच्छा की इसमें कोई भूमिका नहीं है मगर आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए ब्रह्मांडीय शक्ति का लाभ उठा सकते हैं अभी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है उसका लाभ उठाकर मैं यहाँ बैठा हूँ नहीं तो मैं यहाँ वहाँ तैर रहा होता हाँ मुझे यहाँ ठहरने के लिए एक सहारे की जरूरत होती गुरुत्वाकर्षण के कारण मैं यहाँ बैठने का आनंद ले रहा हूँ इसी गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके मैं नाच भी सकता हूं वो मेरी इच्छा है बैठना मेरी इच्छा है नाचना मेरी इच्छा है अगर मैं चाहूं तो नीचे कूद सकता हूं वो भी मेरी इच्छा है मगर ये सब चीजें गुरुत्वाकर्षण के बिना नहीं हो सकती इसे समझने के लिए शायद ये सबसे नजदीकी उपमा है तो ब्रह्मांडीय इच्छा हमेशा सक्रिय रहती है हम अपने जीवन के हर पल में इसका आनंद ले रहे हैं या कभी कभी उसे झेल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण आपको नचा सकता है वो आपको गिरा भी सकता है अगर आप इसके साथ तालमेल में नहीं हैं, यही आपकी इच्छा की भूमिका आती है आपकी इच्छा फैसला करती है और वो ब्रह्मांडीय इच्छा का लाभ उठा सकती है उसके बिना आपकी इच्छा का अस्तित्व ही नहीं होगा इट इज कॉस्मिक ये ब्रह्मांडीय इच्छा है कि आपकी एक इच्छा होनी चाहिए मगर अपने जीवन में अपनी इच्छा के माध्यम से तृप्ति लाने की कोशिश ना करें क्योंकि आपकी इच्छा अक्सर एक विचार से मजबूत होती है और आपका विचार मूल रूप से इकट्ठा की हुई चीज है आपने अपना विचार अपने आसपास से इकट्ठा किया है आपने जो जानकारियां इकट्ठा की हैं आप उन्हें अनेक तरीकों से घुमा घुमा कर उनमें फेरबदल कर रहे हैं अपनी इच्छा शक्ति से कुछ करना सिर्फ छोटे मोटे लक्ष्यों के लिए ठीक है आज सुबह अगर आप पांच बजे उठना चाहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति काम करेगी या अलार्म घड़ी की शक्ति अगर अलार्म बजता भी है तो भी बिस्तर से निकलने के लिए आपको एक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके काम बन सकते हैं मगर आखिर में आपका चेहरा लटका हुआ होगा इसे इच्छा शक्ति से करने की बजाय भक्ति से कीजिए प्रेम से कीजिए अब मुझे पांच बजे उठना है क्योंकि कुछ ऐसा है जो मैं वाकई करना चाहता हूं ऐसा नहीं कि मुझे यह करना पड़ेगा मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो करना पड़ेगा मेरे जीवन में सब ऐसी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं तो अगर अलार्म पांच बजे का लगा हो तो मैं साढ़े चार बजे ही उठ जाता हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूं अगर आप अपने जीवन को ऐसे चलाते हैं कि मुझे ये करना ही है तो ये इच्छा शक्ति है चाहे जो हो जाए मुझे ये करना ही है करना ही है शायद आप उसे कर लेंगे मगर आपका चेहरा लटका हुआ होगा दुखी चेहरा होगा सब कुछ हुआ, हुआ पर आखिर में आपका चेहरा लटका हुआ है तो जो चाहिए था वो नहीं मिला है ना ये सब करने का लक्ष्य आप पहले ही चूक गए हैं क्योंकि आपने उसका आनंद नहीं लिया आपको संतुष्टि नहीं मिली फिर फायदा क्या है तो अपने जीवन को इच्छा शक्ति से चलाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है कभी कभार छोटी मोटी चीजें कई बार जब आपका बदन दुख रहा हो उस दिन खुद को थोड़ा धक्का देने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी मगर जीवन प्रक्रिया को इच्छा शक्ति से चलाने की कोशिश ना करें क्योंकि फिर आप एक लटका हुआ सफल चेहरा बन जाएंगे पेट में छाले झोले में कामयाबी चेहरा इतना लटका हुआ कि कोई देखना ना चाहे या आपकी टुड्डी हैदराबाद की सड़कों से रगड़ खा रही होगी ये अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे पास तो दाढ़ी है आप क्या करेंगे